आज मैं जो आपके साथ बहुत ही प्रोडक्टिव सी एक्टिविटी शेयर करने लगी हूँ ये है जी, मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोफेशनल स्टाइल में मैं जिंगर बर्गर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और फुल वॉच करने के बाद लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और ज़रूर आप सभी की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। जी तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो चिकन लिया है इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट कर रही हूँ। तो आप जितने जिंगर बर्गर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चिकन के पीसेज ले लीजिएगा ताकि ये जो है आप जिंगर बर्गर इजीली बना सकें। तो ये जो पीसेज है इनको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए वैसे तो यूज किया जाता है एक हैमर होता है, बट फिलहाल वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने जो है ये फोक की मदद से इसको थोड़ा सा दोनों साइडों से हर पीस को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि सारे जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी लिया है एक बाउल में। चिकन है, मैं ये सारा का सारा इस पानी में ऐड करूंगी, बट इससे पहले हम जो इसमें और चीजें ऐड करनी है वो कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पे मैं लेमन जूस इसमें डाल दूंगी और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस पानी में ये सारा का सारा चिकन डालकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छे से ये जो चिकन के ऊपर क्रम्स बनते हैं जब हम फ्राई करते हैं तो वो इसी चिकन के वजह से बनेंगे क्योंकि हमने इसको पानी में डिप किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारा का सारा चिकन जो इसमें ऐड कर दिया है। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगा चिकन सारे का सारा और फिर फ्राई करते हुए ये कितना खूबसूरत लगेगा। तो आप जिस तरह से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ आप भी फॉलो कीजिएगा और लाजमी ट्राई भी कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी मुझे दिया कीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपीज कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को कोई आसान सी और मजेदार सी रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि चिकन कितने अच्छे से जो है ये रेडी हो चुका है। मुझे जिस तरह का चिकन चाहिए था ये फुल उसी तरह का रेडी हो चुका है। अब बारी आती है जी, इसको हम लगाएंगे बाकी सारे स्पाइसेस और फिर इसको हम फ्राई करेंगे और बाकी जो प्रोसीजर है वो हम अपना कम्प्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, तो इस बाउल में मैं ये सारा चिकन पानी से निकाल कर ट्रांसफर कर दूंगी। तो मेक श्योर के पानी इसके अंदर से अच्छे से निकाल लेना है, यानी कि ये जो चिकन के पीसेस है ये अच्छे से ड्राई से होने चाहिए, ये बिल्कुल भी ज्यादा वेट नहीं हो। अगर ज्यादा वेट होंगे, इनमें पानी होगा ज्यादा, तो फिर जब हम इनके ऊपर बाकी स्पाइसेस लगाएंगे तो वो स्पाइसेस की वजह से मैरिनेशन के दौरान बहुत सारा पानी छोड़ देंगे, तो जो कि सही नहीं है, इसीलिए इनको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब जी मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है कुटी हुई जो काली मिर्ची है ये ऐड कर दी है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास मेरी बहुत ही फेवरेट सी कुटी हुई लाल मिर्ची है, ये मैं 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी भरकर। तो आप जितना चिकन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्पाइसेस डालिएगा, जितने आपको चाहिए हों, जितने आपको पसंद हों। तो मैं यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बर्गर बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें अपनी मर्जी से ये चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, ये इसमें डाल दूंगी और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून है, तो ये दही इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही सॉफ्ट सा और मज़ेदार सा ये चिकन रेडी होगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको जो है मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1/2 से 1 घंटे के लिए। तकरीबन मैं इसको 45 मिनट्स तक जो है मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। वैसे तो अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए अगर इसको इस तरह से छोड़ दिया जाए तो जो सारे स्पाइसेस होते हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब जो है मैंने इसको एक साइड पर रख दिया है और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं जो बंद गोभी है इसको बारीक कट कर लूँगी, बहुत ही बारीक इसको चॉप करना है।
आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड करके। लेकिन मैं जो है रेगुलर जिस तरह से बनते हैं ये जिंगर बर्गर, मैं उसी तरह से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उनमें ये बंद गोभी यूज़ होती है, तो मैं भी इसमें बंद गोभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो बंद गोभी है इसको बहुत ही बारीक से मैं कट कर लूँगी, जितनी मुझे यहाँ पे रिक्वायर है उतनी मैं जो है ये काट के पहले ही रख लूँगी, ताकि सारा कुछ प्रिपेयर होगा तो इजीली फिर जो है इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। वैसे तो ये जो जिंगर बर्गर है ये बहुत ही सारी वैरायटीज़ के होते हैं, बहुत ही सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं, चीज़ वाले भी होते हैं, इसमें आप चीज़ के स्लाइसिस ऐड करके इसको और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं, और इसमें टमाटर आप ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आप जो जिंगर बर्गर बना सकते हैं। बट मैं आपके साथ ये जो चिकन जिंगर बर्गर बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा रेगुलर है ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मज़ीद भी आपके साथ है इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी बंद गोभी काट ली है, अब यहाँ पे मैं जो है चिप्स के लिए आलू इसको कट कर लूँगी, बिकॉज़ मैं यहाँ पे साथ में जो है फ्रेंच फ्राइज़ भी बना रही हूँ थोड़े से, ताकि वो अच्छी और प्रॉपर एक कंप्लीट लुक आए जिस तरह से एक डील की होती है। तो ये जो आलू है इसका मैंने छिलका अच्छे से रिमूव कर लिया था, देन उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर जो है इसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी बहुत ही अच्छी सी, और इससे जो है मज़ेदार सी ये चिप्स रेडी हो जाएगी। ये जो आलू की चिप्स है ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से और मेथड से बनती है, आप चाहें तो जिस तरह से मर्ज़ी बना सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा जो तरीक़ों से इसको ट्राई किया हुआ है, बहुत अच्छी भी बनती है, कभी बेसन लगा के, कभी कॉर्नफ्लोर लगा के, कभी मैदा लगा के, और कभी जस्ट स्पाइसेस लगा के, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ करके इसको जो है इसको ट्राई किया हुआ है, बहुत अच्छी से ये बन जाती है। तो आप भी ये बच्चों को बना के दे सकते हैं, रेगुलर भी बच्चों को ये खाना बहुत पसंद है, बल्कि हमारे घर में तो सभी को बड़ों को भी ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये खाना बहुत ही पसंद है, जिस भी इस तरह के बने हो, बट ये है कि फ्राई आलू होने चाहिए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसकी जो बकायदा कोटिंग है वो स्टार्ट करती हूँ। तो इसको कोट करने के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पानी लिया है, तकरीबन ये 2 ग्लास पानी होगा, और जिसमें अच्छे से ये डिप हो जाएंगे सारे पीसेस। और इसके अलावा मैंने प्लेन जो मैदा है ये लिया है, इस पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो ये भी मैंने तकरीबन 2 कप के करीब लिया है, जितना ज़्यादा होगा उतना इजीली और अच्छे से आपकी जो इसके ऊपर कोटिंग हमने करनी है वो आसानी से हो जाएगी। तो ये जो चिकन है इसको तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं एक चिकन का पीस पकड़ूंगी, इसके ऊपर इस तरह से पहले अच्छे से दोनों तरफ जो है ये मैं मैदा जो है इसको लगा लूँगी। तो जब हम मैदा लगा रहे होते हैं, तो जब आप मैदा लगाएं तो ये ध्यान रखें कि इसको हाथ की मदद से दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से और ज़ोर से प्रेस करना है, ताकि ये जो इसके ऊपर चंक्स से बने हुए हैं इनके अंदर तक बहुत ही अच्छे से ये मैदा जा सके। तो इस तरह से एक दफ़ा मैदा लगाने के बाद इस पानी में मैं डिप करूँगी और फ़ौरन से इस पानी में से इसको निकाल लूँगी, इस पानी में इसको छोड़ना नहीं है, बस ये है कि इसको एक दफ़ा एक डुबकी लगानी है पानी में, और डुबकी लगवाने के बाद इसको फ़ौरन से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से पहली कोटिंग कर ली है, अब मैं इसको एक डुबकी लगवाऊंगी पानी में, और फ़ौरन से निकालने के बाद इसको अगेन मैदे के ऊपर रख दूंगी और फिर से जो है मैदे की एक और कोटिंग कर दूंगी, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही भरकर और बहुत ही जो है वो हाथ को प्रेस कर करके इसको जो है मैं अच्छे से कोटिंग कर दूंगी। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से करेंगे, आप भी अगर इसी तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपके पीसेस रेडी होंगे फ्राई होकर। तो आप देख सकते हैं ये जो एक पीस है ये ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है, तो मैं कितनी देर तक इसको इसकी कोटिंग कर रही हूँ बहुत ही प्रेस कर करके, ताकि सारे जो पीस हैं इसके अंदर तक जो है वो बहुत ही अच्छे से ये जो मैदा है ये लग जाए, और उसके बाद इसको अच्छे से झाड़ लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए और फ्राई करते हुए वो कढ़ाई में ना छूटे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ये पीस रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से ये जो सारे चिकन के पीसेस हैं इनको मैं वन बाय वन जो है रेडी कर लूँगी,
इसके साथ ही मैंने जो ऑयल है इसको गर्म कर लिया है और इसके अंदर ये जो चिप्स है इसको फ्राई कर लूंगी। आप चिप्स के ऊपर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके अंदर और कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना पानी ना कुछ और इसको सिंपली इस तरह से फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छे से ये चिप्स रेडी हो जाएगी। चिप्स रेडी हो चुकी है और अब ये जो पीस है मैंने इसको इस ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो मेक श्योर के फ्लेम जो है वो मीडियम हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो, और पीस को डालने के बाद जो है फ़ौरन से हलाना नहीं है। तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से जब कुक हो जाएगा तो फिर इसकी साइड को चेंज करना है। बहुत ही अच्छे से ये पीसेस रेडी हो चुके हैं चिकन के। तो अब इसकी जो फाइनल हम जो इसकी तैयारी है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बन लिए हैं उनको मैंने थोड़ा सा जो है तवे के ऊपर सेक लिया था। तो अब मैं इसके ऊपर मेयोनीज ऐड कर दूंगी। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के सॉसेस और भी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, बट मैं बहुत ही रेगुलर से बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें यूज़ करके। साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डाल दूंगी। केचप और मेयोनीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। तो अब इसको तो मेयोनीज और केचप डालने के बाद अब ये जो मेरे पास बंद गोभी मैंने काट के रखी थी ये इसके ऊपर सेट कर दूंगी। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं नॉर्मल सी मैं बंद गोभी इसके एक लेयर में रख दूंगी। और इसके ऊपर ये जो चिकन के पीसीज हैं ये मैं 2 रखूँगी ताकि बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा ये टेस्ट दे। तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुए थे, आप देख सकते हैं पीसेस, और इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा था। तो इन दोनों पीसेस को रखने के बाद अगेन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी रख दूंगी। और बंद गोभी रखने के बाद ये जो बन का दूसरा पीस है ये इसके ऊपर रख दूंगी। अब फाइनल लुक देख सकते हैं जिंगर बर्गर की, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी आई है। साथ मैंने थोड़े से फिंगर चिप्स जो हैं ये सर्व किए हैं, कोल्ड ड्रिंक सर्व की है, और साथ में ये जो एक और पीस होता है इस डील के साथ उसको मैंने थोड़े छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया था आपको चेक करवाने के लिए कि अंदर से अच्छे से पक चुका है। तो ये जो चिप्स मैं ज़्यादा सर्व करने वाली थी साथ में, बट ये ऑलरेडी मेरी सारी चिप्स भाई खा चुका था, इसलिए मैं थोड़े से पीसेस ही सर्व कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को देखने के बाद लाजमी ट्राई कीजिएगा, खूब सारा एंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।